मेरे वीडियो देखा था पीरियड वाला तुम लोगों ने? थैंक यू। तो देखो मेरे को बताओ मत, मैं रास्ते में बाप के साथ जाता हूँ, मेरे को दो लड़के बोलती है कि हमने आपका पीरियड्स वाला वीडियो देखा। क्या मेरा बाप बोलता तू ऑनलाइन पीरियड वाला वीडियो डाल रहा है? दिखा मेरे को भी दिखा। अरे आपको पता तो है परसों खत्म हुए मेरे, है ना, लड़के रिलेट कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको बताया नहीं कि क्या होता है लड़कियों की कितनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है बचपन से कुछ पीरियड्स वीरियड्स के बारे में। खुद देखो यहाँ पे लॉन्डे अग्री करेंगे, उनको सेक्स के बारे में फोर्थ फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड तक पता चल जाता है। भाई किस एज में पता चलता है आपको, कौन सी क्लास? फिफ्थ। ये देखो फिफ्थ, आप भाई फिफ्थ। भाई पीरियड्स क्या होते हैं? वही ब्लड निकालना। अरे मेरे शेर, वही तो ऐसे बोला है, यहाँ पे बैंडेज लगा देना, मेरे को पीरियड्स हो गया, जल्दी लगा दो बैंडेज। मम्मी अपना विश्वास ले आओ, लेकिन वही ब्लड निकलना। अरे ये तो प्रॉब्लम है ना, आप देखो अपना एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम यही है कि हमको पीरियड्स के बारे में कुछ नहीं पता, उसको रोकने के बारे में हम पहले जान लेते हैं। Yes, start laughing, start laughing. Give it up for the very, very great somebody. देखा मेरे को एकदम से पहले कमेंट आ रहे हैं YouTube के अक्षय कुमार। मैंने कहा भाई मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मेरे को कैनेडियन पासपोर्ट नहीं, लड़कियां चाहिए। समझ ही नहीं आता। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड भी थी, ठीक है मैं बताता हूँ, हाँ ठीक है मैं बताता हूँ, हाँ थैंक यू फॉर द सिंपथी। डूड वो मेरे को ऐसा बोलती थी, विवेक तुम मेरे को समझते ही नहीं हो। मैंने कहा मैं पूरा समझता हूँ। कहती क्या समझते हो बताओ? मैंने कहा यही कि मैं तुमको समझता नहीं हूँ, ये बात तो मैं समझता हूँ ना। तो फिर मेरे को समझाती थी कि विवेक जब मेरे पीरियड्स धीरे जाते ना तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मैं थोड़ी सी इरिटेटिव अनोइंग, इट्स नॉट आई एम ओवर रिएक्टिंग, इट्स माय ओवरी एक्टिंग। और गुस्सा करने लग जाती थी। तो पीरियड्स आ रहे हैं गुस्सा कर रही है, पीरियड्स आ रहे हैं गुस्सा कर रही है, पीरियड्स आ रहे हैं गुस्सा। तो अगली बार जब वो गुस्सा भी कर रही है ना, मैंने कहा पीरियड जा रहे ना, क्यों मेरे लालपान की रानी, पीरियड चल रहा ना? कहते नहीं लगे तूने मेरे पे चीट किया है। मैंने कहा तो इसलिए कहता ना क्योंकि तुम्हारे पीरियड जा रहे थे। यार मना करती है, देखा लड़के पीरियड सेक्स के लिए थोड़ा मना करती है, शील देख बहुत ही मैसी हो जाता है सब। मैंने कहा तेरे 1.5 साल से रोज कैसे चल रहे हैं ये बता मेरे को, तू रोज कैसे मना कर रही है मेरे को। लड़के छुपा लेती बहुत सारी ये सब चीज़ें अच्छे से, और लड़कों को पता ही नहीं है डूड ये सब बिल्कुल भी नहीं पता। तो मैं बताता हूँ, मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ कि लोग ना छुपाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सर आपको भी बताओ लड़कों को रिलेट क्या होगा, क्योंकि मैं बताता हूँ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। कहीं ना कहीं मैं जब पीछे देखता हूँ तो मैं कोचिंग में था, तो एक बार एक लड़की आई, उसने सर को बोला सर मेरे को कुशन या कुछ गद्दे टाइप का मिलेगा बैठने के लिए। तो सर ने बोला क्यों? तो उसने बोला कि यार लेडीज प्रॉब्लम। तो उसको क्वेश्चन मिला, वो क्वेश्चन बैठ गया, हम चूहे लड़के सब पटिया में बैठे हैं, हमारी गाड़ी नहीं रुकती है क्या? मेरे को चाहिए इक्वल राइट्स भाई, मैं 7th क्लास से इक्वल राइट्स के। मैं सर को बोला सर मेरे को भी क्वेश्चन और गद्दा चाहिए। कहते क्यों? मैंने कहा सर जेंट्स प्रॉब्लम। उस दिन से जो खून बहा मेरा, भाई खुद सोच कि तेरा नाम क्या है दोस्त? ऋषभ। तेरे वहां से एकदम से खून बहना शुरू हो गया, तेरे को पता भी नहीं है, तेरे को फर्स्ट थॉट नहीं रहेगा भाई मेरे को कैंसर तो नहीं हो गया। लड़कियां उससे डील कर लेते हैं क्योंकि लड़कियों को पता रहता है वो खुद कैंसर है। आप तो एक्सेप्ट ही कर रहे हो कैंसर, तुमने मेरे टॉक्सिक ट्रेट्स देखे कहां है? भगवान ने बहुत ही परफेक्ट बनाया लड़कियों को। आप लोग जज कर रहे हैं मेरे को, मैं आप लोग के साइड से हूँ, आपको पता है। मेरे को लगता है जेन्युइनली भगवान ने ना आप लोग को लड़कियों को ना बहुत ही परफेक्टली बनाया, सुंदरता भी दे दी आपको, सारे रंग के डिफरेंस भी बता दिए आपको, इंग्लिश भी सिखा दी। तुमने कहा यार ये मैंने बहुत ही परफेक्ट प्रोडक्ट बना दिया, इसको मैं इम्परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं भेज सकता हूँ, तो कुछ फ्लॉ दे देता हूँ मैं ताकि कंप्लीट लगे वर्ल्ड। तो वो मूड स्विंग्स के नाम पे उन्होंने पीरियड्स दे दिए। तो अब लड़की तभी तो इस वर्ल्ड में पूरे दुनिया में थोड़ी सी पीछे रह जाती है क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं।
पीरियड्स में आपने देखा मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता आपके डिपेंडेंट बनूं कि इंडिपेंडेंट बनूं, टॉक्सिक बनूं कि टॉक्सिक डेट करूं, समझ ही नहीं आता ना। तभी आप देखिए कि ऑब्वियसली ड्यूरिंग दैट पॉइंट थोड़ी फीमेल बॉडी भी वीक हो जाती है, गर्ल्स वुड रिलेट राइट, आपको पता होगा कि कैसा फील करते हो, तभी तो आइसक्रीम चाहिए रहता है आप लोग को शायद जो भी रहता है, तभी स्पोर्ट्स में इतने आगे नहीं निकल पाती लड़कियां। हाँ भाई लॉजिकल है यार, इट्स नॉट, हाँ इट्स लॉजिकल। आप खुद सोचो अगर लॉन्डो के पीरियड्स आ रहे होते तो हम वर्ल्ड कप क्यों हार गए, क्योंकि ये विराट भाई की उन दिनों की बातें हैं, ये विराट भाई की उन मुश्किल दिनों की बातें हैं जब पिच सूखी थी लेकिन विराट भाई गीले थे, विराट भाई की पिच गीली, विराट भाई की पिच में मॉइस्चर था, विराट भाई बोल रहे थे ये वाले पैड्स नहीं, ये वाले पैड्स दो यार, विराट भाई के वो पैड्स भी नाइकी के थे, वहां लिखा था जस्ट डोंट डू इट। अनुष्का और विराट साथ में आ रहे थे मान्यवर के पैड्स बेचने, मैं भी यूज करता हूँ आप। लेकिन मेरे को लगता है कुछ लॉन्डो के तो पीरियड्स चलते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से केएल राहुल परफॉर्म कर रहा है इतना खराब कोई लड़की पीरियड्स परफॉर्म करती है चलता। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अपने देश में जिस हिसाब से इतना सप्रेस किया जाता है इन सब चीज़ों को, जैसे आप लोग भी सर थोड़े से ऑकवर्ड फील कर रहे हो कि यार ये पीरियड्स की बात है सीख कर रहे हैं ना, लेकिन आप देखो कि हमको ऐड में भी कैसा ब्लू से डिनोट कर देते हैं, है ना। मेरे को बचपन से लगता था सारी लड़कियां कोल्ड ब्लडेड है, इतने आसानी से कोई लड़की कैसे चीट कर सकती है यार, और एकदम से दिखा कि पैड्स पहनोगे तो सक्सेस मिल जाएगा, कितना बड़ा झूठ था बताओ। मैं कभी प्रमोशन मिला आप लोग को, कभी मिला पैड्स, पता है लड़कियों को उसके लिए क्लीवेज चाहिए होती। यहाँ पे बाकी लोग जज कर रहे हैं, फिर सर आप बहुत ही एकदम ऐसे देख रहे हो कि बहन मेरे को क्यों बुला दिया इधर पे, हाथ खोलो आपकी क्लीवेज नहीं है ना आप, हाँ सर तभी तो देखा लड़कियाँ बहुत ही मैनेज्ड होती हैं, इमोशंस को मैनेज करना आता है, वो छुपा देती हैं कि हमारे पीरियड्स चल रहे हैं या हम आप पे चीट कर रहे हैं। मेरे को पता ही नहीं लगा मेरी गर्लफ्रेंड, मैंने कहा बताया क्यों नहीं, कहती पीरियड्स चल रहे थे मूड नहीं हुआ, ये क्या बात हो यार, मेरे को बता दे यार, हाँ तुम अबताली हो जा रही हो क्या काम में, अरे हाँ हम तो बताते ही नहीं है ये सब साले। तभी तो देखा लड़कियों को हर चीज़ याद रहती है, डेट्स टू डेट्स याद रहती है, क्योंकि उनके बॉडी में ही एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। हाँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता हूँ ना कि आज डेट कौन सा है, वो बोलती है 4 अप्रैल। ये तुम लोग ही थे वो कर रहे क्या, सही में नहीं करती है भाई। हाँ वो उनसे पूछ रहा कहती हमको छूने की जरूरत है, एमसी बता देते मॉइस्चर पिच में। लॉन्डो को डेट्स याद नहीं रहती क्योंकि हम रोज हिला रहे हैं। है भाई हमको याद ही नहीं रहता आज 3 बार हिलाया कि 4 बार हिलाया। बट मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं थी डूड, आई थिंक शी रियली चेंज्ड मी इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे पॉसिबल। उसने मेरे को बहुत हेल्प किया लाइफ में। उसके जब एग्जाम्स खत्म हुए थे ना तो हम लोग ट्रिप्स पे जाते थे, जैसे ही उसके एग्जाम्स खत्म होते थे तो हम ट्रिप पे जाते थे। जब मैं बोलता हूँ ना कि जब उसके एग्जाम्स खत्म होते थे तो तुम्हारी आंखों में मेरे हाइट के हिसाब से तुम उसकी एज गेस करते हो, तो मैं ऐसा सस्पेंस भी नहीं रखूंगा, तुम लोग को उसकी एज बता दूंगा। मेरे लॉयर ने 19 बोलने बोली। तो उसके 10th बोर्ड्स खत्म हुए थे। मजाक कर रहा हूँ यार, 9th में थी वो। आपकी तो गाड़ी फट गई आराम से यार, 9th में थी वो। यू कॉल इट पीडोफीलिया, आई कॉल इट मार्टर इन क्राइम। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला तो लड़कियां मेरे को मैसेज करने लग गई इतने प्यार से, हम भी स्वीट 16, हम भी फिल्थी 15। मैंने कहा डूड इट्स जस्ट अ जोक, इट्स वेरी अनएथिकल कि आप लोग मेरे को ऐसे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर रहे हो, आप लोग स्नैपचैट पे आओ। क्योंकि जब हम लोग ट्रिप से वापस आए थे तो कभी भी ऐसा होता ना कि कोई आपसे इतना प्यार करता है कि आपको भी बिलीव नहीं हो कि वो आपसे इतना प्यार करता है। तो ट्रिप खत्म हुई तो मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ, एंड शी वाज लाइक विवेक हाउ आर यू, एंड आई मिस यू ऑलरेडी, एंड शी वाज लाइक विवेक टेल मी ऑनेस्टली डू यू लाइक मी, एंड आई वाज लाइक आई लव यू द मोस्ट नो मैटर व्हाट, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू।
through thick and thin, you can always count on me. I'll never go anywhere. And she was like, I was trying to discuss something with you, that whatever happened between us was beautiful, and I miss you a lot. But past 2 weeks, I've been missing my periods as well. और मैं सोचा मैं कर पाता हूँ मिशन अकम्प्लिश यही लॉन्डे ये छूते हैं अभी तो पीरियड्स नहीं दिए एंड मैंने उस व्हेन शी वाज लाइक विवेक बिकॉज आई मिस्ड माय पीरियड्स पास्ट टू वीक्स आई एम स्ट्रेसिंग आउट अ लॉट एंड आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट एंड आई एम लाइक कि बेब ये स्ट्रेस जो है ये आपकी लाइफ में अब बढ़ेगा कहती विवेक स्ट्रेस और क्यों बढ़ेगा मैंने कहा क्योंकि अभी आपको मेरा डीपी दिखना बंद हो जाएगा थैंक यू मैम फॉर द क्लैप्स उसने नहीं ताली बजाई वो लिख रही थी बट लेकिन जब तक वो बोलती मैंने ब्लॉक कर दिया था लेकिन हाँ डीपी दिखा ही नहीं उसको वैसे भी क्या ही दिखता हूँ मैं मतलब But the guy, it was just a joke. You guys can notice. It's just a joke. I was trying to make a joke of it. What I'm trying to make a point is, if your girl is going through all these things, you should be very supportive. क्योंकि तुम मैं इस तुम खुद सोचो ना ये body के साथ मैं तुम्हें लगता है मैं पापा बन तुम्हें लगता है मैं आईने में अपना आपको देखूँगा कि ये आईना कभी ऊपर है तो मैं खुद को नहीं देख पाता हूँ हाँ मैं डैडी मेरे को लग रहा था कि भाई दो हफ्ते हुए अभी तक तो मेरा बच्चा मेरे से बड़ा हो गया होगा मैं डैडी वाइब्स देता हूँ मैं डैडी वाइब्स देता हूँ नहीं देता मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड भी बेड पे छोटे पापा बुलाती थी क्योंकि क्योंकि मैं उसको उसके छोटे पापा की याद दिला खैर छोड़ो बहुत बहुत खराब सीन रहता है ये सब हम लोग फिगर आउट नहीं करते हैं व्हाट आई वांट टू एक्चुअली मेक अ पॉइंट इज यू शुड बी वेरी सपोर्टिव टू योर गर्ल इफ शी इज गोइंग थ्रू थिंग्स लाइक दिस यू शुड अंडरस्टैंड हर एंड आई वॉज रियली लाइक दैट डूड मैंने उसको बोला कि चल अब तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढते हैं यार मैं लड़कों को जाके बोल रहा हूँ तुम मेरे बच्चे के बाप बनोगे तब मैंने रियलाइज किया लड़के कितने चूतियाँ हैं भाई लड़कियाँ अग्री करेंगी लड़के चूतियाँ जस्ट स्लैप वंस वो तो एकदम आ रहे हैं उठ के पीछे चाटे दे रहा है आराम से भाई कोई सॉरी सॉरी मैं सारे लड़कों की तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ ठीक है चलेगा आपको क्या हो गया ऐसा कौन छोड़ के गया आपको लड़के को इतने प्यारे थॉट्स रहते हैं कि यार मेरे को टाइम दे लौंडे बोलते हैं मेरे को हर टाइम दे इतने चूतिए लौंडे होते हैं ना अपने देश में इतने चूतिए लिमिट नहीं होगी भाई उनको बट लड़के किस टाइप के लड़के आप लोगों को पसंद है मैम जैसे आप लोगों ने लिखा एक दो से पूछूंगा मैम किस टाइप के लड़के पसंद है आपको केयरिंग Honest? Be honest. Rude, meko meri girlfriend bolti, Vivek, I like honest guys. Very honest, dude. Main jhoot bolunga. I'm honest guy. She's like, Vivek, I really like sense of humor and creativity in a guy. Ded crore views. Iska tak kya? Main tumhare liye likhunga. Main poetry likhunga. Kehti, haan yaar, I would really love it. तो सुनना तुमको एक जो मैंने उसके लिए लिखा था चैट जीपीटी नहीं यार खुद से लिखा था मैंने कि तू हल्की सी मेरी हो जा मैं पूरा तेरा होना चाहता हूँ दो लाइन के कि तू हल्की सी मेरी हो जा मैं पूरा तेरा होना चाहता हूँ मानो तू एक समुंदर है नदी की तरह अच्छे से करेंगे मेरी गर्लफ्रेंड भी बोलती थी एक बार अच्छे से करेंगे अरे यार तुमको यही सुन रहा है क्या यार तू हल्की सी मेरी हो जा मैं तेरा होना चाहता हूँ मानो तू एक समुंदर है नदी की तरह तेरे में खोना चाहता हूँ ये सब बोल के तेरे साथ रात को बताओ इससे ऑनेस्ट है आपके लिए मैंने एक पोइट्री लिखी सुनोगे तू हल्की सी मेरी हो जा इससे ऑनेस्ट मिलेगा आपको बताओ मैं फुल फेमिनिस्ट हूं जी दिस जस्ट जोक्स आप लोग जज मत आई एम अ टोटल डूड मैं बता रहा हूं तुम्हें मैं बता रहा हूं अगर मेरी पत्नी मेरे से ज्यादा कमाए ना मैं घर पे बैठ के बर्तन मांजूंगी उसके लिए मैं मंगलसूत्र पहन के घूमूं भाई खुद बताओ क्या करना है खाना बनाना है सेक्स करना है खाना बनाना है सेक्स करना है खाना बनाना है
उससे बढ़िया क्या हो सकता है यार, खाना बताओ, सेक्स करो, जो अच्छा लगता है खाओ, 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 इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मेरी मेरी तो वाइफ वापस आ गई, बोलेगी ना विवेक आज खाने में क्या है, मैंने कहा खाने में बिरयानी है, रात को डिजर्ट में विवेक संतानी है। क्या छू दिया भाई, अब बचपन में मैं भी उतना ही छू दिया था, मैं भी ऐसा चेस करता था एकदम ही, देखा जब बचपन में ऐसा अपन को लड़की का फॉलो बैक आ जाता है कभी इंस्टाग्राम पे तो अपन सोचते हैं ये तो अपनी हो गई, सबको बताते हैं अरे प्यार में भाई के यार, मैं लिखता था उसको रात को ट्रूथ और डेयर खेलोगी। वो कहती विवेक दिस इज अ वेरी स्टूपिड गेम बिकॉज गाइज जस्ट एंड अप आस्किंग मी अबाउट माय पास्ट बॉयफ्रेंड्स एंड फिजिकल इंटरेक्शंस, एंड आई लाइक डोंट यू फील आई वुड वांट टू नो यू बेटर about your childhood memories, what are the things you respect about your parents? childhood memories nahi yaar, what are the things you respect about your parents, what are the things you like about your brother? kehti wow Vivek tu acha insaan lagta hai mereko, I would play this stupid game with you, ask me any question, I wouldn't mind. are you a virgin? kitna chali ho? I get the joke. Yeah, it was just a joke. Yeah, I would love to meet you because you seem funny. But just because I'm meeting you for a date doesn't mean that we'll get physical. Because it's wrong. We'll not get physical no matter what happens on the first date. And I was like, the fact that you judge me so bad. You think I'm that shallow? The fact that your judgment is so wrong, I don't even feel like meeting you now.